वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज ज़रा बात करते हैं फ़िटनेस की। सुबह सुबह सवाल भी मैंने आपसे ये किया था कि क्या चीज़ आपकी डाइट को सस्टेनेबल नहीं रहने देती। बड़े मज़ेदार जवाब आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिरयानी, किसी को लगता है कि उसकी अपनी भूख, उसके अपने दोस्त और दावतें। एंड देन द बेस्ट रिप्लाई केम इन कि मेरी बेगम के हाथ के पराठे ना मेरे सारे डाइटिंग के गोल को सत्यानाश कर देते हैं उसका। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं तलहा फारूकी, हु इज़ अ वेरी अकम्पलिश ट्रेनर। पाकिस्तान के कराची के बड़े एलीट जिम्स में ये आपको एज अ हेड ट्रेनर नज़र आएंगे, एज अ HOD नज़र आएंगे। इसके अलावा इनकी सेलिब्रिटी क्लाइंटेल भी बहुत बड़ी है। इनसे हम कुछ टिप्स लेते हैं आज और कुछ अहम सवाल जो आपने मुझे भेजे हैं वो इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? गुड गुड बस। तलहा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल क्रेज है, एवरीबडी आई नो इज आइदर ऑन अ कीटो और अपने वो प्रोग्रेस को यू नो रिमार्क कर रहे होते हैं कि मैंने इतना वेट लूज कर लिया है, क्या ये सही है? एक जुनून तो है फिट होने का, लेकिन उसमें फिर सबको शॉर्टकट भी चाहिए और स्पीडी रिजल्ट्स चाहिए। आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है जी मेरे पास 3 हफ्ते हैं, मुझे 5 किलो वज़न कम करना है, आप उसको क्या जवाब देते हैं? एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स जो आते हैं वो यही गोल लेके आते हैं दिमाग में बना के, और वो वेट पुट ऑन उन्होंने कुछ 6 साल का किया हुआ होता है। हाँ। और वो चाहते हैं कि वो कोई 6 दिन के अंदर या 6 हफ्तों के अंदर कोई रिजल्ट आ जाए। और ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ जो आते हैं वो आते हैं कि जी हमारी शादी होने वाली है, कज़न की शादी होने वाली है, ये कोई ना कोई फंक्शन, कोई इवेंट होने वाला है, तो हमें गोल अचीव करना है। शॉर्ट टर्म के लिए वो आते हैं क्योंकि दे आर वर्किंग और दे आर स्टडिंग के हमारे पास टाइम नहीं है, ये 3 महीने हम आपको 1 घंटा दे सकते हैं, और दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ आवर गोल। तो थिंग इज़ कि मैं उनको रियल गोल बताता हूँ, रियलिस्टिक चीज़ें बताता हूँ, तो फिर वो थोड़े से डिप्रेस होते हैं कि यार ये हमने सोचा नहीं था, ये समझा नहीं था। लेकिन थिंग इज़ अ बींग ए ट्रेनर, ट्रेनर एक चेंज एजेंट भी होता है। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिटनेस के अंदर और अपनी देखभाल करने के अंदर आपने किस एज ब्रैकेट में देखा है? 20s में लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, आजकल 30s, 40s, 50s, सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ पे लोगों की एक बल्क आया है आपके पास? एक्चुअली मैंने यंगस्टर्स तो हमेशा से ऑब्वियसली आपको पता है, लेकिन अब मैंने देखा है कि जो और ख़ास तौर पर ख़वातीन का अगर देखूँ मैं, तो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया है, और विच इज़ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर घर की माँ ही की तबीयत ख़राब है तो ऑब्वियसली बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, पूरी एक नस्ल चलानी होती है। द थिंग इज़ इफ़ शी इज़ गुड तो एवरीथिंग इज़ गुड। मैंने जो देखा एज की अगर मैं बात करूँ तो ओवर 30 मैंने लोगों को ज़्यादातर देखा है, इवन ओवर 40 भी अब ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी हो गया है, वो फ़िक्रमंद भी हो गए हैं क्योंकि कोविड ने भी हिट किया हम लोगों को। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादातर हेल्थ की वजह है या वैनिटी? मुझे लगता है कि हमारी मदर्स की अगर जेनरेशन को देखें, दे डिडंट माइंड, वो कहती थी, मेरी अम्मी तो कहती थी कि भाई थोड़ा वेट है तो मम्मा लगना चाहिए बिकॉज मेरे बच्चे हैं। लेकिन अब कोई भी मदर नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों की बड़ी बहन लगूँ। तो ये आप क्या लगता है, फिटनेस है या वैनिटी है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे माइंडसेट को लेके चलते हैं जो कि पॉजिटिव हो, इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप किसी भी तौर पे किसी भी तरह से अगर आप समझ सकें, अगर आप फिटनेस गोल को अपने अचीव कर सकें किसी भी तरह से, तो किसी भी बहाने से कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई, अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा अक्षय कुमार का, एंड ऑफकोर्स ही इज़ अ ट्रेंड सेटर और लोगों को एक फिटनेस आइकॉन के तौर पर जानते हैं, खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं। उन्होंने एक ही सांस में तला बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा आई डोंट बिलीव इन दीज न्यू ट्रेंड्स, ये जो नए लड़के जितने जिम्स जा रहे हैं वो स्टेरॉइड्स और प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी हैरत हुई कि स्टेरॉइड्स और प्रोटीन शेक को उन्होंने साथ मिला दिया, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल बहुत दूर है। ये स्टेरॉइड्स के साथ प्रोटीन शेक्स मिक्स करना वो मेरे ख्याल से सही जज नहीं हुआ। प्रोटीन शेक्स ऑब्वियसली इट्स अ शॉर्टकट, क्योंकि वो 24 ग्राम प्रोटीन अगर आपको चाहिए वो एक स्कूप में आपको मिल जाएगा, आपने स्कूप डाला, पानी में डाला, शेक किया और पी लिया। बट स्टेरॉइड्स जो आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस लाता है, जो हार्मोन्स चेंज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स खुद ब खुद वो बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक जनरल फिटनेस में और एक जो बॉडी बिल्डर जो फिटनेस कर रहे होते हैं या जो गोल अचीव कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम। ऑब्वियसली प्रोटीन मसल जो है हमारा प्रोटीन एंड वाटर से मिलके बनता है, 75% वाटर 25% प्रोटीन, तो ये तो आपको डेली यूज में वैसे ही चाहिए होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रोटीन शेक्स यूज करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, 2-3 आपके लिए सवाल आता है, मैं चाहूँगी कि अच्छा, रमशा ने कराची से लिखा है कि अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि अगर आपका वजन कम हो तो आप यंग दिखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने रैपिडली 2 महीने के अंदर 10 kgs लूज किया, लेकिन अब मैं अपनी उम्र से बड़ी लगती हूँ क्योंकि वो फ्रेशनेस नहीं आ रही है। ये क्या होता है, एक सर्टेन एज पे जाके वजन लूज करने से आप बड़े लगते हैं?
नहीं, एक्चुअली अगर आप ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं तो उसके साथ साथ आपका मसल मास भी लॉस हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली जो आपको हेल्दी रखता है, जो आपके मसल्स को एक्टिव रखता है। आपके मसल्स जितने सही होंगे उतना आपका बॉडी और आपके जो स्केलेटन का पोस्चर है वो सही रहेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। फैट्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, कार्ब्स नॉट बैड थिंग, उसकी कैलकुलेशन के साथ खाना, एक अमाउंट के साथ खाना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर वो एक्सेस के अंदर खाएंगे और एक्सेस के अंदर ही अगर उसकी डेफिशिएंसी में भी चले जाएंगे, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम कर लें कि अगर बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, मैंने लोगों को देखा है 500 कैलोरीज 600 कैलोरीज पे चले जाते हैं, अब वो, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड थिंग, मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। फिटनेस में स्टार्वेशन नहीं है, बस ये याद रखिएगा। आप अपनी पानी की मिकदार पूरी रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपकी बॉडी की वो पूरी होनी चाहिए। इन्होंने जैसे 10 केजी का अपना कहा है, 3500 कैलोरीज जब हम बर्न करते हैं तब जाके 1 LBS फैट बर्न। अच्छा तलब है, मुझे बताओ कि इसका रिवर्स क्या हो सकता है? अब किसी ने ड्रास्टिकली गलती कर ली है, वेट लूज कर लिया है, आपकी स्किन लटक गई है, मसल मास आपका लूज हो गया है, अब अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें तो क्या करें? अब हुआ ये इनके साथ, मैं अगर ये मेरी बात पे जो है अग्री करेंगी, अगर सुन रही हैं और देख रही हैं मुझे, कि इनकी मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो चुका होगा। हाँ। क्योंकि होता ही है कि फिर खाया भी नहीं जाता बहुत ज़्यादा, तो अब ग्रेजुअली इनको चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज़ों को इनटेक करें और हेल्दी अपना रूटीन रखें, साथ साथ थोड़ी सी वॉक स्टार्ट करें ताकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, ग्रीन लीफी सैलड खाना शुरू करें, हाई फाइबर फूड खाना शुरू करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस नहीं लें, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जूसेस से ज़्यादा मैं फ्रूट्स के ऊपर इसलिए कहता हूं। अच्छा जी, सेलिब्रिटीज़ क्योंकि इनके पास बहुत सारे आते हैं और कुछ की आप तस्वीरें भी ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे जो इनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल सेलेब्स में पिलाटेस का बहुत फैशन हुआ हुआ है, आप कार्डियो की बात भी करते हो, क्रॉसफिट भी कहते हो, वेट ट्रेनिंग अब फाइनली लोगों को और ख़ासतौर पर ख़वातीन को रियलाइज़ हुआ है कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, पिलाटेस को किस तरह रेट करते हो? मुझे बड़ा पर्सनली बहुत बोरिंग लगता है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितना इफेक्टिव है पिलाटेस? अच्छा, इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज वो आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक वर्कआउट, आइसोमेट्रिक मैं फॉर्म के बता देता हूँ आपको, एक्चुअली होल्डिंग वर्कआउट्स जितने होते हैं वो जितना प्रोलोंग होंगे उतना बॉडी पे और मसल पे स्ट्रेस आएगा, मसल पे स्ट्रेस आएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वो क्या नाम है, ग्रो करेगा, मसल ग्रो करेगा। सो अपनी अपनी इंटरेस्ट लेवल होता है, प्रेफरेंस होती है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं कि योगा और पिलाटिस जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि यार आप एक दफ़ा करके देखें, ट्राई करें, फिर आपको पता चलेगा। Absolutely. आप यकीन करें 2 मिनट में उनके पसीने छूटना शुरू करते हैं, यार आपको लग रहा होता है कि आप वो रिफॉर्मर पे लेटे हुए हैं पिलाटिस की और एक एक बात ही तो होल्ड करना है, बट जो जिस मसल को एक्टिवेट करना है। आखिरी सवाल आपके लिए, दिस इज सेंट बाय बिलाल फ्रॉम कराची, इन्होंने पूछा है कि भाई बहुत सारे लोग कीटो कर रहे हैं और सब कहते हैं कि एक्सरसाइज जितनी भी करो लेकिन मुंह पे पहले जिप लगानी पड़ेगी, और उसमें BMI का हमने सुना था, कैलोरी काउंट का हमने सुना था, ये मैक्रोस क्या हैं? कि आप अपने मैक्रोस के मुताबिक डाइट करें। मैक्रोस इज अ फैब्रिकेटेड वर्ड है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। एक्चुअली कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स आर मैक्रोस, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको कहते हैं, यही मेन सोर्स होती है बॉडी की जो ह्यूमन फ्यूल होती है। ऑब्वियसली आप कार्ब्स खाते हैं उसके साथ प्रोटीन होते हैं एंड फैट्स होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म चलता है। तो इसकी एक कैलकुलेशन होगी, एक फार्मूला होगा, पूरा एक फार्मूला है, इसकी कैलकुलेशन होती है। मैं बिलाल से ये कहूँगा ज़्यादा बेहतर यह है कि आप किसी जिम जाएँ या किसी अच्छे ट्रेनर के साथ कंसर्न करें, थोड़े कंसल्टेशन थोड़ा टाइम लगाएं ताकि आपको अपनी बॉडी की और चीज़ों की समझ आए। यही वजह है कि जितनी अगर आप फूड सर्विसेज के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे आपकी मेजरमेंट्स पूछते हैं, वो खुद मैक्रोस पे कैलकुलेट करते हैं, वरना यू कैन गेट इन टच विद तलहा, यू कैन फाइंड हिम ऑन फेसबुक और आप इनसे भी जाके कंसल्टेशन कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे विद अ बिग डिस्कशन, टू स्टे विद अस।